आइए सुने रंग तरंग। विस्तीर्ण पारे অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোয়া কিয় আওয়াজ ডক্টর ভূপেন হাজারিকা কি বিস্তার হে আমার প্রজা দোন পার করে হাহাকার নিঃশব্দ সদা ও গঙ্গা তুম ও গঙ্গা বহতী হো ক্যুঁ বিস্তার হে আমার প্রজা দোন পার করে হাহাকার নিঃশব্দ সদা ও গঙ্গা তুম গঙ্গা বহতী হো ক্যুঁ नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती रुकी इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्र विहीन देख मौन क्यों इतिहास की पुकार करे पुकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्र गामी बनाती नहीं हो क्यों व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को छोड़ती क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों स्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चेतन नहीं प्राणों में प्रेरणा दीन क्यों उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी गंगे जननी नव भारत में भीष्म रूपी सुत समर गई जनती नहीं हो क्यों करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा।
करती हो क्यों करे निशक्त सदा वो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों करे हाहाकार निशब्द सदा वो गंगा तुम गंगा तुम वो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। आज डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद का दिन है और रंग तरंग कार्यक्रम में सबसे पहले हमने उनका ये मशहूर गीत सुनाया। आखे बाकी राजे लिए जाते हैं राजा महाराजा होकर डोला 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 देहा जलाई के पसीना बहाई के दौड़ाते हैं डोला 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 कहिया ना जिया ना जिया ना जिया कहिया ना जिया ना जिया ना जिया नीचे है रास्तों के पावरे कांधों से गिरे नहीं डोला ऊंचे हैं नीचे हैं रास्तों के पावरे कांधों से गिरे नहीं डोला जिंदगी कहार की चढ़ते पहाड़ की दौड़ाते हैं डोला 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 आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजा होकर डोला 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 हे हैया ना जिया ना जिया ना जिया हैया ना जिया ना जिया ना जिया पालकी से लहराता गालों को सहलाता रेशम का हल्का दिलासा किरणों की झिलमिल में पर्दों के मखमल में आसन विराजे हो राजा बैसाख गुजरा एक साल उतरा देखा नहीं तन पे धागा नंगे है पाँव पर धूप और छाँव पर दौड़ाते हैं डोला 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 आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजा होकर डोला 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 हैया ना जिया ना जिया ना जिया हैया ना जिया ना जिया ना जिया से उंगते हो पाल की ही लोरे में देह मेरा गिरा ओ गिरा ओ गिरा जागो जागो देखो कभी मोरे धनों वाले राजा कौड़ियों के दाम कोई मारा मारा चोटिया पहाड़ की सामने है अपने पाओ मिला लो कहारो चोटिया पहाड़ की सामने है अपने पाँव मिला लो कहारो कांधे से जो फिसला नीचे जा गिरेगा राजाओं का आसन यारो नीचे जा गिरेगा डोला राजा महाराजाओं का डोला 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 आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला 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 देहा जलाई के पसीना बहाई के दौड़ाते हैं डोला 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 हे हैया ना जिया ना जिया ना हैया हैया ना जिया ना जिया ना जिया
बहुत वर्ष पहले एक एल्बम आया था, मैं और मेरा साया। इसी एल्बम की रचना आपने सुनी। इस एल्बम में भूपेन हजारिका के गाए समिया गीतों का हिंदी अनुवाद गुलजार ने किया था और इन हिंदी रचनाओं को उन्हीं मूल धुनों पर डॉक्टर भूपेन हजारिका ने गाया था। और अब रूदाली फिल्म का ये गाना। Ooh.
एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं? एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में, एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये,
कली वो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां खिलने भी ना पाई थी, तोड़ने उस बागीचे में दानव आया रे, ओ दानव आया हरे, दानव की परछाई में कांप रही थी पत्तियां, बुझने लगी मासूम कली दानव की परछाई में, दानव की परछाई में। साये से बेदार हुए तांबरंसी बाहू के, साये से बेदार हुए तांबरंसी बाहू के, ढोल मदल बजने लगे मदल ऐसे बाजे रे, लाखों मिलके नाचे रे, आया एक तूफान नया दानव डर के भाग गया, मादल ऐसे गरजा रे, दानव डर के भागा रे, दानव डर के भागा। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौनी, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में, रतनपुर बागीचे में, रतनपुर बागीचे में। डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज में ये रचना आपने सुनी। आज फिर चांद
बिखर जाएंगे आज पे
मन का कोना कोना रंग हजारों तूने मेरे जीवन में बिखराए नैना उस लागे सारी रहना जागे जागे नैना उस लागे अशोक भोसले और गुलाम अली की आवाजों में आपने ये रचना सुनी। एल्बम था मेराज गजल। अब वो जहाँ कैसे हैं
فتح خان کی آواز میں ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی یہ غزل آپ نے سنی.
चित्रा सिंह की आवाज में ये सईद राही की गजल थी। और अब एक गैर फिल्मी गीत हेमंत कुमार की आवाज, बचपन की विकल याद। अपना बचपन भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन भला था कितना। दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल, दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पसारी आंचल। और मैं डालों से खेता करता था तोड़ के फल, और मैं डालों से खेता करता था तोड़ के फल। माली था बस हमारा दुश्मन अपना बचपन भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन भला था कितना। याद भी है वो खेल की बात जब हम निकालते थे बारात, याद भी है वो खेल की बात जब हम निकालते थे बारात। लड़के मुझको दूल्हा बनाते, सखियां तुझको बनाता दुल्हन, अपना बचपन भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन भला था कितना। दिन को खेल में और रातों को बातों में खो जाते थे, राजा रानी के किस्से सुनते सुनते सो जाते थे। दिन को खेल में और रातों को बातों में खो जाते थे, राजा रानी के किस्से सुनते सुनते सो जाते थे। आँख में नींद का नाम नहीं था, आँख में नींद का नाम नहीं था, दिल से कोसों दूर थी धड़कन अपना बचपन भला था कितना, भला था कितना अपना बचपन भला था कितना। छाए ये नागन से बन
थाए ख्वाबों के साए, ये चिटके से तारे जो पलकों पे छाए, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे। की आवाज में ये गीत आपने सुना, मेरे चन्न परदेसी, मेरे चन्न परदेसी।
की आवाज में ये गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश था। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग।